सो हेलो प्रोग्रामर्स, कैसे हो सारे? दिस इज मी विजय कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 118 टेकन फ्रॉम लीड कोड। और प्रॉब्लम का नेम है हमारा पार्सल ट्रायंगल। सी इन दिस क्वेश्चन प्रॉब्लम टाइगल जीजी, ठीक है ना? और क्वेश्चन काफ़ी इजी होने वाला है। हम लोग इसका पहले डेली लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं वेयर वी आर गोइंग टू यूज पार्सल ट्रायंगल। सी पार्सल ट्रायंगल यूज टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, लेट सपोज आवर टास्क इज टू टॉस 4 कॉइन। Our task is to toss 4 coins. Then maybe our question is like, what is probability of getting 2 head and 2 tail at a time? 2 head or 2 tail आने का probability क्या है? This type of question can be easily solved using Pascal's triangle. तो आने वाले वीडियो में हम लोग इसे भी देखेंगे, इस टाइप के probability को हम लोग कैसे find करते हैं Pascal's triangle का use करके, ठीक है? So first of all, let us move through our problem statement. And in question we have given an integer nums row. हमारे पास एक इंटीजर रहेगा इनपुट में नम्स रो। लेट्स सपोज वैल्यू ऑफ नम्स रो इज इक्वल टू 5। देन इन रिटर्न वी हैव टू रिटर्न अ वेक्टर ऑफ वेक्टर जिसमें कितने रो होना चाहिए? 5 रो होना चाहिए, ठीक है? सो 5 रो का हमें यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज नम्स रो इज इक्वल टू 5, ठीक है ना? तो इस केस में हमारा आउटपुट ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ऑब्जर्व ऑन दिस ट्रायंगल इज इन ईच एंड एवरी रो आवर फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम इज फिल्ड बाय 1। फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम किससे फिल्ड हो चुका है? 1 से फिल हो चुका है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन का। और रिमेनिंग मान लेते हैं, लेट्स सपोज यू गोना पिक दिस 2। हम लोग इस 2 को पिक किए हैं, तो ये 2 जो है कौन कौन से रो का सम है यहाँ पर? दिस 2 कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग सम ऑफ दिस 1 एंड सम ऑफ दिस 1। कोई भी अगर एलिमेंट को हम लोग पिक करते हैं, लेट्स सपोज वी पिक दिस 3, तो ये 3 किसका सम है? ये 1 का और ये वाले 2 का, मीन्स ऊपर वाले दो एलिमेंट, दोनों साइड वाले एलिमेंट का सम के इक्वल होता है। मेक सेंस? सो लेट्स सपोज इन दिस केस नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 6, ठीक है ना? सो हमारे पास इस केस में रो कितने होने चाहिए? 6 होना चाहिए। सो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम शुड बी इक्वल टू 1, और ये सारे रो के लिए वैलिड है, ठीक है ना? पहला कॉलम और लास्ट वाला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 1 है। अब हमारे पास देखो, पहला बार इसमें क्या हम लोग फिल करेंगे? 1 फिल करेंगे, और हमें दूसरा एलिमेंट को फिल करना है, देखो अगर हम लोग थर्ड कॉलम पर हैं, अगर हम लोग थर्ड रो पर हैं, ठीक है ना, इसका मतलब हम लोग सेकेंड रो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इट मीन्स वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड रो नंबर सेकेंड। ओके, सो लेट्स सपोज दिस इज आवर नम्स ऑफ सॉरी लेट्स सपोज इन अनदर फैक्टर दिस इज आवर आंसर ऑफ आई जे। मे बी वैल्यू ऑफ आई एंड जे डिफर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ओके, सो इन दिस केस वी कैन राइट आंसर ऑफ आई जे इक्वल टू आंसर ऑफ i-1j। पिछला वाले रो में हम लोग पहले सेम कॉलम देखेंगे, इसका कॉलम कौन सा है? कॉलम नंबर टू। और देखो ये वाले 1 का कॉलम क्या है? इस वाले 1 का भी कॉलम हमारा 2 है, लेकिन रो में 1 से डिग्री छोड़ा है। सो यू कैन राइट आंसर इक्वल टू आंसर माइनस 1j, ठीक है? और दूसरा बार क्या उसमें ऐड क्या करेंगे? आंसर ऑफ i-1, पिछला वाले कॉलम में हमें एक छोटा वाला मीन्स कॉलम में जाना है, एक कम वाले कॉलम में जाना है। सो इन दिस केस वी कैन राइट आंसर इक्वल टू आंसर ऑफ i-1 एंड j-1, ठीक है? इन दोनों कॉलम के एलिमेंट के सम के इक्वल होगा हमेशा हमारा आंसर ऑफ आई जे। मेक सेंस? सो सेम थिंग्स वी गोना इटरेट फ्रॉम रो नंबर लास्ट। अब देखो पहला वाला जो हमारा कॉलम होगा, पहला वाला जो कॉलम में जो भी एलिमेंट अपना होने वाला है वो तो हमेशा 1 होगा, वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। इसीलिए हम लोग देखो पहले सबसे पहले अपने एरे में क्या फिल किए हैं? सबसे पहले हम लोग 1 को फिल किए हैं, आंसर डॉट पुशबैक 1। इसके लिए तो कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है मीन्स 1 को फिल करने में, ठीक है ना? तो हाउ मेनी नम्स रो आर इक्वल, लेट सपोज नम्स रो इज इक्वल टू 5, देन नाउ वी नीड टू इटरेट फ्रॉम रो नंबर 1 टू रो नंबर 4,
4 बिकॉज यू हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रो नंबर 0. रो नंबर 0 का ऑलरेडी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं. तो 1 से 4 तक हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर इज इक्वल टू 5. ठीक है. और सारे रो में देखो हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, सबसे पहला एलिमेंट 1 होगा और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट 1 होगा. सी बिफोर दिस फॉर लूप वी गोना पुश 1 इन आवर वेक्टर मींस टेंपरेरी वेक्टर व्हाटएवर द वेक्टर इट इज एंड आफ्टर दिस लूप अगेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट 1. ठीक है. और बिफोर एंड आफ्टर तो हम लोग कैलकुलेट कर लिया, और बीच में हम लोग कौन सा एलिमेंट पुट करेंगे, आंसर ऑफ आई माइनस 1 जे एंड आई माइनस 1 जे माइनस 1. ओके. सो फाइनली वी गोना रिटर्न आवर आंसर इन आवर आउटपुट. सो लेट अस सबमिट आवर कोड. Yeah, okay guys, our code got accepted. And if you guys has any problem regarding question, regarding topic, या फिर अगर जैसे देखो हम लोग डेली लीड कोड चैलेंज सॉल्व करते हैं, डेली जीएफजी पर जो भी क्वेश्चन आता है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. अगर कोई और भी क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में कि ये क्वेश्चन आने वाले सीरीज में सॉल्व होना चाहिए, ओके, सो यू कैन पुट योर कॉमेंट इन फीडबैक सेक्शन. सो या थैंक यू एवरी वन. थैंक यू वंस अगेन.